कन्वर्ट हाउस, गाड़ी लगा दी अपन ने पार्किंग में, 50 रुपये 2 घंटे की है, तो अंदर चलते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे टिकट वगैरह है, टिकट ले लेते हैं यहाँ से, देखते हैं कितने की है टिकट। तो इंडियन टूरिस्ट की 100 है और अगर फॉरेनर वगैरह आते हैं उनकी भी 100 है। कई जगह आपने देखा होगा ज़्यादा होती है, वैसे तो ज़्यादा महंगी नहीं है। टाइमिंग्स वगैरह भी देख लीजिए। तो भाई 150 रुपये की टिकट कटी है, 50 रुपये पर बंदा, और एंट्री इधर से है, इधर से। चलो तो भाई ये चीज़ तो सबसे इम्पोर्टेंट है, पढ़ लो। भाई सामने कबूतर वबूतर दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, यहाँ पे भी अभी वीडियो बनाएंगे, देखते हैं। तो भाई सुंदर तो बहुत लग रहा है यार, सुना था पहले कि बहुत सुंदर है, अब देख के तो भाई और सुंदर लग रहा है। वीडियोस वगैरह वैसे मैं देखा था, तो कैमरे से आप इतना नहीं देख पाओगे, पर जो आँखों देखी बात होती है वो तो अलग ही होती है यार। अब पुरानी चीज़ बनी हुई है तो बहुत सुंदर लग रही है। अंदर चलते हैं अभी फ़ोटो वोटो खिंचा के, भाई लोगों के पास वापस चलते हैं। यश का चल रहा है फ़ोटोशूट, फ़ोटो खिंचा रहा है, ये रहा सामने। तो भाई अंदर तो एंटर कर गए हैं, आप देख पा रहे होगे कितना सुंदर है। तो भाई बिल्डिंग के बारे में तो ये लिखा हुआ है मेरे ख्याल से, अगर दिख रहा हो तो मैं इसकी फ़ोटो भी डाल दूँगा। और जितने भी स्टार्टिंग से लेके 1780 से लेके आपके चलते गए जितने भी महाराजा रह चुके हैं सब हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल 1667 से हैं। अब अंदर चलते हैं, ये एक और गेट है। अंदर तो भाई मज़ा आ गया मेरे ख्याल से, इसी से लगा रखा बढ़िया करके। ये देख पा रहे हो कारपेट है मेरे ख्याल से पुराने टाइम का, बहुत सुंदर है यार अंदर से। ये पुराना इनका गिटार पियानो रखा हुआ है। तो ये है कारपेट गैलरी, तो उनके टाइम के कारपेट आए हैं पुराने टाइम के, सारे हैंडमेड ही होंगे। तो अगर आप पढ़ना चाहो तो पॉज करके पढ़ सकते हो। तो भाई अंदर तो बहुत बढ़िया लग रहा है, और ये काफ़ी पुराने कारपेट हैं, और कुछ कारपेट तो जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा, आप भी पढ़ लेना, और क्या कहते हैं जेल में भी बने हुए हैं, काफ़ी पुराने टाइम के हैं। तो इधर मूर्तियाँ हैं पुरानी, तो चलते हैं फिर। और ऊपर का भी आपको दिखाया नहीं, इस साइड भी काफ़ी अच्छा है मेरे के यहीं भी, ये देखिए ऊपर काफ़ी सुंदर है यार, हैंडमेड आप देख सकते हो, पुराने टाइम के बनाए हुए हैं ये, आज तो देखने को भी ना मिले, सब मशीन से ही बनता है काम। तो चलो फिर इधर चलते हैं, कारपेट वगैरह तो आपको दिखाई दिए। तो भैया नेक्स्ट स्टोर,
यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह हैं पुराने टाइम की। ये बच्चों ने पेंटिंग्स वगैरह बना रखी हैं यहाँ की, तो वो लगी हुई हैं, तो नाम वगैरह डिटेल्स फोटो भी है बच्चों की, काफ़ी सुंदर बना रखी हैं यार ये। और ये पुराने टाइम का मुगल का लग रहा है मुझे, और इसको इन्होंने नाम दे रखा है द ग्रेट गैम्बलिंग सीन इन द महाभारत। अच्छा महाभारत का है ये। ये भी देखिए आप पेंटिंग कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग बना रखी है। ये आपका द्रौपदी का चरित्र हरण चीर हरण। ये मेरे ख्याल सेक्रीफाइस ऑफ राजा मेवाड़ा ध्वज राजा मेवाड़ ध्वज की कथा। तो भाई पेंटिंग्स भी बहुत सुंदर सुंदर हैं, और जो इन्होंने यहाँ पे कहानी और बता रखी है ना बहुत सुंदर है यार, वो पेंटिंग्स के थ्रू बता रखी है। इंडियन म्यूज़ियम कोलकाता। भाई ये पेंटिंग देखो यार कितनी सुंदर है। तो भाई अब नेक्स्ट स्टोर है, यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह हैं और तलवारें वगैरह हैं पुरानी पुश्तैनी। वो बहुत ही सुंदर यार, सब हैंडमेड है। कैमरे में इतना क्वालिटी नहीं दिख पाएगा, पर भाई बहुत ही सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैं वाइट कैमरा बंद करके दूसरा खोलता हूँ, आपको पहले सिनेरियो पूरा दिखा देता हूँ वहाँ पे कितना सुंदर है अंदर का। अब इधर भी चलेंगे, जी तो बोर हो रहे हैं मुझे लग रहा है। तो भाई एंट्रेंस पे ही ये पेंटेड टाइल्स हैं, टाइल्स पे पेंटिंग कर रखी है कितनी सुंदर यार। मतलब भाई यहाँ आना वर्थ है, जिंदगी में देखी भाई ऐसी चीज़ें ऐसी ऐसी रखी हुई हैं यहाँ पे। भाई मौका मिलता ले जाने का तो मैं तो ले ही जाता। भाई ये नेक्स्ट डोर है, यहाँ वेस वेस रखे हुए हैं, ये भी काफ़ी सुंदर है यार। अभी एंटीक पीस हैं ये होंगे, ये तो लगभग यार लाखों में तो होंगे कम से कम, तो इनकी कॉस्ट तो वैसे लगा नहीं सकते हम लोग। भाई कैमरे में वो क्वालिटी नहीं आ पाएगी, उसके लिए मेरी गलती है कि मैं अपना DSLR नहीं लेके आया, फ़ोन पर ही वीडियो बना रहा हूँ, तो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आ पाएगी। तब भी आप देख पा रहे हो सब हैंडमेड है, हैंड पेंटेड है, कितना सुंदर है और क्लियरिटी है इनमें।
और एम्बियंस आप देख पा रहे हो अंदर कितना बढ़िया बना रखा है। तो अब नेक्स्ट डोर पे चलते हैं। वाह देखिए यार, काश इसमें से जिन निकल आता तो विश ही मांग लेते हम कुछ। मूर्तियां हैं हैंडमेड ही हैं सारी। नेक्स्ट रूम है तो और सुंदर है, शील्ड देख रहे होगे आप यार कितनी सुंदर है। हाथ में पकड़ के भी मज़ा आ जाएगा भाई, इतनी बड़ी बंदूक है यार ये। उस टाइम पे चलाते थे, भारी कितनी होगी ये वाली। तुम्हें शॉट गन लग रही है, ये नीचे देख लो यार, तोप ही है एक तरीके की, ये राइफल्स होंगी। मैच लॉक फुल शॉट रोटेटिंग ड्रम, मैच लॉक सारी मैच लॉक है मेरे ख्याल से, राइफल ही हैं ये सारी की सारी। भाई इसका साइज़ देखो आप इस गन का, ये लगभग मान के चलो 6 फुट की है यार। भाई नाइफ्स वगैरह हैं, ये शील्ड्स हैं, तो भाई नेक्स्ट डोर आप यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेटल आर्ट का सामान है सारा, काफ़ी सुंदर है। और एक लास्ट में दिखाऊंगा आपको चीज़, सारा मेटल आर्ट है। बहुत सुंदर एंटीक्स हैं यार यहाँ पे। तो भाई अगर जयपुर आओ तो भाई यहाँ ज़रूर आना, जो जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं वो कहीं नहीं मिलती यार। आप ये वाली देखिए, साइज़ देखिए इसका, कम से कम राउंड राउंड में ही 6 फिट का है ये, और कितने क्लियरिटी से हैंडमेड बना रखा है। और जो आपको बोला था एंड में दिखाऊंगा सबसे बढ़िया चीज़, वो ये रखी है नीचे, तो बेल्ट वगैरह हैं। ये देखो आप देख पा रहे हो, मैं पढ़ भी पा ही रहे हो गया। तो यह है हुक्का हमारा पुराने टाइम का। तो अब इसकी यार देखो कैसे चलता होगा। और भाई अंदर का एम्बियंस देख के तो अलग ही मजा आ रहा है यार। तो भाई नेक्स्ट डोर पे चलते हैं। तो भाई अब जा रहे हैं हम फर्स्ट फ्लोर पे, और यहाँ पे नीचे काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई हुई हैं, वो देखते हैं। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कॉइन्स हैं, और हमारे भैया की सांस फूल गई है, फेफड़े ख़त्म होने वाले हैं इनके।
पेंटिंग है सारी की सारी जितनी भी है देख पा रहे हो अभी वुडन में है। भाई बहुत ही बढ़िया एम्बियंस है यार इसका, इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। और सारी की सारी जितनी मैं आपको दिखा रहा हूँ वुडन पेंटिंग है। अब नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं थोड़ा आगे, अभी हमारे राइट साइड में भी था पर अभी हम नीचे से ही आ रहे हैं, राइट साइड वाले में जाना भी छूट जाता फिर हम पीछे वाला छोड़ देते सारा, तो पीछे से देखते हुए चलते हैं। स्टफ 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 बैम्बू स्टिक मेरे ख्याल से कपड़ों का सेक्शन आ गया है यहाँ पे। और ये जो आप देखते हो ना ये साइडों में जो है ये वाले जो हैं जितने भी दिख रहे हैं आपको ये सारे स्टैम्प्स हैं, इन पे लगा के ये ऐसे इन पे चद्दर पे वो प्रिंट करते थे तो ऐसे डिज़ाइन बनाए जाते थे। जितने भी स्टैम्प आपको साइड में देख पा रहे होगे ये सारे इसमें इंक लगा के चद्दर पे लगाते थे और ये ऐसे डिज़ाइन बनते थे। कहते हैं कटाई करके बना रखी हैं, काफ़ी सुंदर तरीके से मार्बल वगैरह यूज हो रखा है इनमें। और ये मेरे ख्याल से इसका मिनीचर बना रखा है, सब मार्बल से ही बना हुआ है। तो भाई थोड़ी भीड़ ज़्यादा है तो बीच बीच में डिस्टर्बेंस बहुत है तो उसके लिए सॉरी, बाकी आप देख पा रहे हो कि बहुत ही सुंदर सुंदर है यार। अब मेरे ख्याल से जिस सेक्शन में हम जा रहे हैं वहाँ पे कॉइन्स वगैरह हैं पुराने टाइम के, तो वो देखते हैं गोल्ड कॉइन्स भी होंगे यार यहाँ पे। ये देखो यार ये पुराने टाइम के नोट हैं, कॉइन्स तांबे वगैरह के सब, कॉपर ये लगभग सारे हैं कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स आ गए आपके। सेक्शन में चलते हैं आगे वाले। तो भाई पुराने टाइम का कैबिनेट देख लो यार कितना सुंदर है और सारा हैंडमेड है, टेबल्स वगैरह, ये अलमीरा हो गई। आगे चलते हैं तो ये आपके सामान रखने का ही है सारा, संदूक बोलते थे पुराने टाइम में। ये स्पून्स देख लो यार सर्विंग स्पून लग रहा है ये तो, अरे फॉर्क देखो, ये आपका बुक का वो है कवर। कुरान पढ़ने के लिए और ये रखने के लिए है सारा कुछ सामान। और आपका ये लास्ट था और ये आपका पूरा का पूरा डोर है। सारा हैंडमेड डोर है यार ये देखो। तो नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, इसमें जा रहे हैं सेक्शन में तो यहाँ पे बॉडी एंड सोल का बता रहे हैं यहाँ पे, ओरिजिनल है कि नहीं है ये तो हम बोल नहीं सकते, बाकी आप देखो पुराने टाइम की मूर्तियाँ आई हैं, फ्यूनरल फिगर्स।
काफ़ी सारी हैं, तो भाई मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ तो वहाँ लग रही है, तो आप ये चीज़ें भी आप फटाफट, ज़्यादा इतना नहीं दिखाऊँगा पुराने टाइम के, मेरे घर शूज़ वगैरह चप्पल होंगी। ये क्या है, सिंबॉलिक आइस, कैमरे में इतना क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा, पर भाई बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें आ रही हैं। तो चलते हैं सीधा सामने, आप देख पा रहे होंगे, और ये आपका ओसिरिस की मूर्ति है ये, और इधर आइसिस की, ये सारा मार्बल से ही बना हुआ है। इधर थोड़ा साइड देंगे, एक्सरे है, तो आगे चलते हैं। यस जी, हमारे बोर होते जा रहे हैं धीरे धीरे, इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। अभी जो हम नेक्स्ट सेक्शन में आए, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स का है, सितार वितार हैं ये, ढोल वगैरह, और ये देख पा रहे हो कितना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है यार ये। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन, यहाँ पे लगभग सारी मूर्तियाँ बस दिखा रखी हैं सारे काम करने वालों की, और साधु वगैरह और सबकी मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। मूर्तियाँ क्या कहूँ, एक तरीके से स्टैचू, क्ले स्टैचूज बना रखे हैं। और भाई ये लग तो मुझे बग्गी रही है पुराने टाइम की, पर इस साइज़ में आता कौन होगा, कोई ना कोई तो आता होगा तभी बनाई गई है। योगा स्टैचूज हैं ये, और अंदर का तो आपको इधर का दिखा दिया था मैंने, सारा वुडन है। तो भाई अब नीचे देखते, अगर कुछ है, अगर नीचे कुछ है तो वो भी दिखाते हैं, बाकी उधर तो एग्जिट लिखा हुआ है फर्स्ट फ्लोर से, अगर ऊपर तो मुझे लग नहीं रहा कुछ है, तो चलते हैं फिर। तो भाई अभी नीचे आए हैं, और नीचे आपका डॉल शो तक चल रहा है, फाउंटेन है। और ये आप देख पा रहे होगे, सारा मार्बल से ही बना हुआ है, फाउंटेन भी मेरे ख्याल मार्बल ही है, हैंडमेड है सारा। और अब चलते हैं थोड़ी देर में बाहर, बाहर चलेंगे, बहुत हो गया टीका मेरे ख्याल से फैल गया, फिर इसके बाद चल रहे हैं जू। तो ये वाला ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भेजिए, सबको बोलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे और शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और इसको थोड़ा चैनल के ऊपर उठवाइए यार, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलते हैं फिर, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके बाय।